सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज में चोरों को हौसले बुलंद, लगातार दे रहे चोरी को अंजाम। प्रयागराज कौंधियारा चोरों के हौसले बुलंद, लगातार चोरी को दे रहे अंजाम। कौंधियारा थाना क्षेत्र के गोठी गांव में शनिवार की रात में हरिशंकर तिवारी के घर में अज्ञात चोरों ने 45,000 सहित जेवरात पर किया हाथ साफ। वहीं हरिशंकर तिवारी व गांव प्रधान मनोज पांडे ने बताया कि अज्ञात चोरों ने छत पर चढ़कर छत की सीढ़ी से आंगन में उतरकर कमरे का ताला तोड़कर और घर में रखा बक्से का ताला तोड़कर बक्से में रखा जेवरात, एक सोने का झुमका, एक जोड़ी पायल व एक जंजीर, एक जोड़ी झाला, एक अंगूठी, 6 लच्छा सहित 45,000 नगद अज्ञात चोर ले गए। हमारी नींद खुली, देखा तो बाहर दरवाजा बंद रहा, तो जब अंदर झांका देखा तो दोनों दरवाजा खुला, सब सामान गायब रहा। लगभग कितने का नुकसान हुआ, कितने के ले गए हैं आपका सामान? अब लगभग 1 लाख के ऊपर गवा बाटे गहना, 45,000 नगद। तो आपको क्या, कितने ताला काटे गए हैं, कितने दरवाजा तोड़े गए हैं? 2 घुंडी काटी गई है दरवाजा के, एक घुंडी काटी बस संदूक के। आपका परिचय? हरिशंकर तिवारी। कौन सा गांव है ये? गोठी। ठीक। हमको जानकारी हुई, यार ये लोग खाना खाकर सो रहे थे, हम घर पे भी नहीं थे। लगभग 12:30 बजे हमारी ट्रक आई थी सड़वा, तो हम 12:30 बजे घर से निकले, गाड़ी उठाए तो सब नॉर्मल था। हमारे पड़ोस के ही हैं, बगल में मेरा घर है। तो सुबह जब वहाँ पे आए तो रास्ते में ही पता चल गया कि आपके गांव में चोरी हो गई। यहाँ आए तो बताए कि हम खाना पीना खा के 10:30 बजे रात सो गए, और जब 4 बजे भोर में उठे तो इनका बाहर से ताला बंद था, अंदर देखे तो अंदर इनका किवाड़ खुला था। वो घुंडी ताला लगा था कमरे में, वो भी काटा गया था। तो अपने भाई को उन्होंने फोन किया, तो आके खोले, देखे तो पूरा छत पे बक्सा का ताला काटा गया। ये सब बताए तो 100 नंबर पे कॉल किया गया। हाँ, 100 नंबर पे तिवारी जी ने कॉल किया, सौ नंबर पे इन्होंने कॉल किया। गांव में एक और घटना घटी उस तरफ, गांव के पूरब तरफ। किनके यहाँ, किसके यहाँ? जगत नारायण शुक्ला के यहाँ। तो उनके यहाँ भी चोरी हुई? नहीं, वो पेशाब करने गए थे, पेशाब करके शटर बंद किया अपना, लगता है चोर अंदर घुस गया उसी समय, क्योंकि वो ताला बंद करके अंदर लेट रहे हैं, उनके जो जिस कमरे में लेटे उसका सिलसिला बंद कर दिया गया, उनको खट की आवाज सुनाई दिया। तो उनकी औरत थी, उन्होंने वो बीमार है, बीमार चल रहे हैं, वो सो नहीं रही, तो उन्होंने कहा कि सपना की मम्मी, उनकी बहू का नाम, उनके नातिन का नाम है सपना, तो उन्होंने कहा कि सपना की मम्मी खटखट कर रही, दरवाजा खोल लो, काहे के लिए है। जब वो दरवाजा खोले तो घुंडी उनका लॉक था, बाहर से घर के अंदर लॉक था, और शटर में वो खुद ताला लगा के 10 मिनट पहले आए थे। तो अपने भाई को फोन किया 2-3 बार, तो भाई ने 2 बार नहीं उठाया, तिवारा उठाया, इतने में जाने क्या लिए थे वो काट के दर जो ताला लगाए थे वो निकल गए, भाग गए। आपका परिचय? मनोज कुमार पांडे, प्रधान गोठी।